भगवान बुद्ध को महात्मा क्यों नहीं कहते या कुछ लोग महात्मा क्यों कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल स्पष्ट और शीशे की और पानी की तरह बिल्कुल साफ है। जो अत है, अत पाली का शब्द है और अत का मतलब है स्वयं यानी कि मैं। जैसा बहुत सारे विद्वान विचारक अपने वक्तव्य में और भाषण में कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, ये बुद्ध के शब्द हैं, बुद्ध के मुख से निकले हुए शब्द हैं। इसका मतलब है कि अत माने स्वयं है, कि स्वयं हर व्यक्ति अपना खुद ही मालिक है, स्वयं का स्वयं ही मालिक है, और हर व्यक्ति अपनी गति यानी कि जीवन की और मृत्यु की गति स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। पाली में जो शब्द हैं या सद बोलते हैं इसको, सद पाली में जो शब्द हैं वो नेचुरल बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। इनको बाद में मॉडिफाइड किया गया और अत का जाके आत्मा बन गया। आत्मा आज की समय में, आज की डेट में भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है। आत्मा का मतलब है आत्म माने मैं, आत्मजन यानी कि स्वजन। मगर हिंदी के अंदर आत्म का और आज की भाषा में आत्म का अंतर और शब्द का जो अर्थ है पूरी तरह से बदल गया है। आत्मा जो बोलते हैं यानी आत्म से जो आत्मा बना है, उसका मतलब है कि कोई ऐसी जीव के अंदर कोई ऐसी चीज है जो ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ना छिपती है, ना बढ़ती है, ना घटती है, ना बिगड़ती है, ना उसे कोई चुरा सकता है, ना लाटा सकता है, चाहे व्यक्ति मर जाए या जिंदा रहे, यानी कि वो अमर है, ऐसी चीज बताते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, किसी ने देखी भी नहीं है। जबकि बुद्ध ने पूरी की पूरी अपनी फिलॉसफी के अंदर जो पूरा प्रकरण उन्होंने 45 साल तक बताया और जो 6 साल में उन्होंने सीखा और जीवन भर जो लोगों को सिखाया, उसमें कहीं भी एक सिंगल शब्द या एक सिंगल सद कहें या एक छोटा सा जिक्र मात्र भी, लेश मात्र भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, उनके मुंह से आया तक भी नहीं है कि कोई आत्मा नाम की ऐसी जीव भी होती है या परमात्मा। परमात्मा का मतलब है कि आत्मा से भी बड़ी परमात्मा कोई चीज है या स्वय आत्मा कोई चीज है। उन्होंने जीवन भर जो शरीर को चलाने वाली चीज है उसके बारे में बताया और उसका उन्होंने नाम बताया कि ये चैतसिक गुण होते हैं, चैत्य होता है, मन बोलते हैं इसको या इसको माइंड बोलते हैं। तो आत्मा का शब्द ही नहीं है, आत्मा का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने यह कहा था कि अगर मनुष्य के अंदर आत्मा है तो आत्मा का कुछ हो नहीं सकता जैसा वो बताते हैं, मगर मेरे अंदर जो मन है और जो चेतना है उसको मैंने खत्म कर दिया है और अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा, मैं मुक्त हो चुका हूं, अब द्वारा से मेरा जो मन है वो कहीं ट्रांसफर होगा ही नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी आत्मा का जिक्र ना किया हो, ना आत्मा के बारे में कभी कुछ बताया हो, ना उन्होंने देखा, क्योंकि उनकी सारी बातें जितनी भी हैं वो अनुभव पे आधारित हैं, प्रैक्टिकल हैं, बाद में लोगों ने लिखी हैं उनकी बातें, जो उन्होंने बताई हैं उनकी बातें सारी की सारी प्रैक्टिकल हैं बिल्कुल, और जो प्रैक्टिकल के हिसाब से और भावना के हिसाब से और भाव के हिसाब से शरीर पे उभरती हैं वही बातें उन्होंने जीवन भर बताई हैं। इसलिए कोई आदमी अगर उनके लिए महात्मा का शब्द इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में करता है, उसे आत्मा का और अत का ज्ञान नहीं है, या जो पहले से चला रहा है परंपरा में मोड़ दिया, तोड़ दिया या अत का आत्मा बना दिया उसकी वजह से बोलता है, या ऐसा प्रचारित किया गया बहुत ज्यादा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसलिए वो उसको आत्मा बोलता है, या कुछ लोगों ने महात्मा यानी बड़ी आत्मा करके कुछ लोगों को जीवित होते हुए ऐसा बोल दिया, उनको सम्मानित दिया तो वो आत्मा करके बोलता है। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इसका कोई भी जिक्र पूरी पाली भाषा में, साहित्य में नहीं है, सिंगल शब्द भी नहीं है। इसलिए बुद्ध को महात्मा नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए तथागत। तथागत का एक सिंपल सा शब्द होता है तत्व पे आधारित गति, यानी कि जो यथार्थ है, जो सामने है, यथाभूत यानी जैसा है वैसा, उसका आकलन करके उसके हिसाब से जो गति बनती है उस गति के हिसाब से तथागत बोलते हैं। वो अपने आप को भी अधिकतर तथागत ही बोलते थे, बाकी लोग उनको बुद्ध बोलते थे। बुद्ध से काम चलता है, तथागत से काम चलता है, त्रिलोकनाथ से काम चलता है, नाथ से काम चलता है, बहुत सारे नाम उनके हैं। धन्यवाद।